ठीक है, मैं देख लेता हूँ, देख फॉर योर नेम समीर खान। समीर भाई, अपनी कहानी अपनी जुबानी सुना दो कि किस तरह से बिगनिंग शुरुआत हुई और कदम मजबूत हुए। जी, मैं गोपालगंज माझागढ़ के रहने वाला हूँ और मैंने इंटर किया जेड इस्लामिया कॉलेज से। उसके बाद मैंने दिल्ली पढ़ाई कर रहा था, बीएससी जूलॉजी नर्स किया हूँ और आईएएस की तैयारी कर रहा था। इसी बीच में मुझे एक फिल्म का ऑफर आया, अपन गाँव में हम लोग प्राण बसेला, इसमें घर से सपोर्टिंग मिले मुझे और फिल्म के दौरान मैं स्टार्टिंग मेरी वही फिल्म थी। और दूसरी फिल्म मैं कर रहा था मिटा देव रावण राज, बालाजी की फिल्म थी, कुछ कारण वो फिल्म रुक गई। उसके बाद मैंने तीसरी फिल्म किया कैसन विदाई, जो कैसन विदाई ये फीमेल ओरिएंटल फिल्म है, जो एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसकी शादी होती है और शादी होते ही उसके दूसरे दिन मतलब वो विधवा हो जाती है। इसके ऊपर वो फिल्म बनी हुई है। अभी चौथी फिल्म करने जा रहा हूँ कसम बतौर प्यार के। ये चार फिल्में आपकी झोली में आई और चारों फिल्में आपने एक कदम से कदम बढ़ा के चली, किस तरह का एक्सपीरियंस रहा अब तक और स्टार्ट पॉइंट? नहीं, अभी तक मैं स्टार्टिंग से अच्छा कर रहा हूँ अभी। और स्टार्टिंग में क्या थोड़ा डर रहता था ये कैमरे सामने आने में, थोड़ा अभी अच्छा चल रहा है, काम भी अच्छे चल रहे हैं और डायरेक्टर लोग भी खुश हैं काम देख के। कहीं एक्टिंग सीखी थी? नहीं, अभी कुछ नहीं, मैं पढ़ाई करता था, दिल्ली से पढ़ाई करता था और अचानक से मुझे ब्रेक मिला और इस लाइन में आ गया। गोली चलाने की जगह पे तुम किस्मत में यही था। अच्छा, तो वो पढ़ाई जारी है या? नहीं, वो भी चल रही है, बीएससी फाइनल हो चुका है मेरा और आगे भी चल रही है और फिर नाइन में भी चल रहा आगे काम। तो कोई आइडियल भोजपुरी इंडस्ट्री में या बॉलीवुड इंडस्ट्री में अब तक जिसे सीखने के बाद, जिसे देखने के बाद? अभी तक तो मैं इमरान हाशमी को ही मानता हूँ, उसी को देख के सीखता हूँ और बाकी किसी का फैन हूँ नहीं। और क्या सीखा आपने? और इरफान खान, इरफान खान, बस दो चीज़ को मानता हूँ, गाइडलाइन मानता हूँ और करता हूँ। बाकी तो करने वाले डायरेक्टर होते हैं, उनके ऊपर निर्भर करता है क्या करा लेते हैं वो। जब एक लीड का स्टार होता है तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी होती है शोल्डर के ऊपर, फिल्म में लीड भी है, एक्टिंग भी करना है, एक्शन भी करना है, परफॉर्मेंस भी करना है और फिर फाइटिंग भी करना है और डांस भी करना है। ये पांच ये छह चीज़ें जो जिम्मेदारी के साथ हैं वो कितनी बखूबी निभाई आपने? नहीं, देखिए क्या होता है कि इतना भीड़ पड़ता है तो टेंशन तो होता है, लेकिन करना तो खुद ही करना पड़ता है और करेंगे नहीं तो आगे दिखेंगे कैसे, ये भी सोच के। डायरेक्टर ने सिखाया? नहीं, डांस अभी क्लास चलता है, डांस में उतनी अच्छी नहीं कर पाता हूँ, बाकी एक्टिंग फाइट में पीछे तो नहीं जाऊँगा, लेकिन डांस में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, चल रहा है मेरा क्लास। ओके, डांस की क्लास से आप किससे ले रहे हो? फिरोज खान से। फिरोज खान साहब से जी। अभी तक किस तरह के स्टेप सीखे हैं, मतलब भोजपुरी में डिपेंड रहना है या अभी बॉलीवुड के अंदर? अभी स्टार्ट नहीं, बॉलीवुड में भी तो भोजपुरी में हूँ, तो पहले भोजपुरी से ही, अभी कोई आगे का कोई प्लानिंग नहीं, अभी भोजपुरी में हूँ, पहले यहाँ खड़ा हो जाए उसके बाद आगे का देखा जाएगा। इन चार फिल्मों में क्या डिफरेंस पाया और क्या नया कुछ सीखा? सर, रोज सीखने को ही मिलता है, करने से तो क्या, रोज नया कुछ ना कुछ मिलता है सीखने को, सीखते रहते हैं और जब तक करेंगे लोग तो सीखना ही, एक्टिंग को ये नहीं है कि कोई सीख के फायदा हुआ है, वो जब तक करेंगे कुछ ना कुछ नया सीखने को ही मिलता है। भोजपुरी के दिग्गज हैं रवि किशन, मनोज तिवारी, मैं नहीं मानता हूँ किसी को, तो इनमें से किसी से बिलीव? मैं किसी को नहीं मानता हूँ, मैं खुद ही हूँ, मतलब अपने आप को, मतलब जी मैं खुद ही स्टार हूँ। ऐसा क्या है समीर खान के अंदर जो इन चारों दिग्गजों से आगे हैं? दिग्गज वो आज से 20 साल पहले से इस लाइन में है और जी, तो क्या है कि वो लोग आज से लगभग 15-20 साल से इस लाइन में लगे हुए हैं, सपोर्टिंग है वो लोग को और इतने दिन से कर रहे, तो अच्छे वो लोग का बैकग्राउंड बन चुका है और अपना स्टार्टिंग है, तो बनाते बनाते बनेगा तो कुछ दिन के बाद तो अपना भी जगह बन ही जाएगा वहाँ। और नहीं, कुछ एक होता है कि जब भोजपुरी फिल्म देखी जाती है, बॉलीवुड फिल्म देखी जाती है, तो नया एक्टर जब कोई भी आता है या कोई ऐसा मजा हुआ स्टार आता है तो वो ये सोचता है यार मनोज तिवारी ने ये किया है तो मैं इनसे कुछ आगे करके दिखाऊंगा। नहीं, मैं नहीं सोचता हूँ किसी के बारे में, मैं जिसको सोचता हूँ बताया आपको, इमरान हाशमी, इरफान खान, बस इमरान भाई और इरफान खान। हाँ बस, इमरान हाशमी को ऐसा क्यों लाइक करते, क्या मतलब ऐसा क्या है, रास्ता बताना पड़ेगा तुम्हें। क्या है कि इमरान हाशमी और इरफान खान जो एक्टिंग करते हैं नेचुरल करता है, बिल्कुल कोई बनावटी नहीं होता वो लोग एक्टिंग में, तो ये मुझे अच्छा लगता है और मैं उनसे देखता हूँ, सीखता हूँ, करता हूँ। और ना ही भोजपुरी में किसी को गाइडलाइन मानता हूँ, कुछ नहीं। तुम्हारा फिर भी पसंदीदा स्टार वो कौन है जो जिसे? कोई नहीं, भोजपुरी में कोई नहीं, बॉलीवुड में कोई नहीं? नहीं, बॉलीवुड में बोला ना इरफान खान, इमरान हाशमी, भाई इन दोनों खानों में कोई नहीं? नहीं, कुमार
अच्छा अगर बात करूँ मैं तुम्हारे भोजपुरी के इंडस्ट्री की, तो किस तरह के गाने पसंद करते हो और किस तरह की मूवी पसंद करते हो? सर मूवी मुझे ज़्यादातर एक्शन मूवी होती है जो ज़्यादा मुझे अच्छी लगती है। मैं एक्शन मूवी ही ज़्यादा करना चाहता हूँ। एक्शन मूवी हो, लव स्टोरी हो, पारिवारिक फिल्म हो, जो पूरे परिवार के साथ बैठ के देखा जा सके। जैसे अभी भोजपुरी फिल्म बन रही है कि परिवार के साथ, पूरे परिवार के फैमिली के साथ बैठ के नहीं देख सकते आप भोजपुरी फिल्म, ऐसी बन रही है। और मैं चाहता हूँ ऐसी फिल्म बने कि मेरी माँ बहन हो, चाहे आपकी माँ बहन, चाहे कोई भी और दर्शक हो, वो बैठ के सब एक साथ बैठ के देखें। अभी की भोजपुरी फिल्म, खुद हम अपनी फिल्म नहीं, अभी तो मैं कर रहा हूँ तो वैसे ही मैं पूरे फैमिली के साथ देख सकता हूँ। और आगे प्रोड्यूसर लोग क्या डिमांड होता है, क्या डायरेक्टर को, लेकिन आगे कुछ बताया नहीं जा सकता। जैसे अभी भोजपुरी फिल्म बन रही है तो हम पूरे फैमिली के साथ बैठ के देखने लगे, फिल्म नहीं बन रही आजकल की फिल्म जितनी हो रही है, हम पूरे परिवार के साथ नहीं बैठ के देख एक सकते। फिल्म आपकी आ रही है, ई कैसन विदाई, इसके बारे में क्या कहें? जी, कैसन विदाई फिल्म मेरी एक महिला प्रधान फिल्म है, जो कि ऐसी लड़की कहानी है जो शादी होता है उसके दूसरे दिन ही वो विधवा हो जाती है, जिसमें मैं कर रहा हूँ, मर जाता हूँ उसके ऊपर, मतलब ये फिल्म का स्टोरी है। और ये पूरे परिवार के साथ आप देख सकते हैं, कोई मतलब फालतू गाने, कोई ऐसा कुछ नहीं, सीन नहीं है, अच्छी मूवी है। तो बाकी अभी नेक्स्ट क्या? नेक्स्ट मूवी मेरी कसम बात हो रहा है प्यार की, जो मई में जा रही है शूटिंग पे। बाकी एक दो और फिल्म की बात चल किस रही तरह की है। स्टोरी है, किस? ये स्टोरी दो परिवार के, दो खानदान की है, दो ठाकुरों के बीच की, वो खानदानी दुश्मनी वो लोग चलती रहती है, इस पे आधारित फिल्म है। कौन कौन स्टार है, कौन कौन? इसमें मनोज टाइगर हैं, सुशील सिंह, संजय पांडे, विजय त्रिपाठी, मैं तो स्टार हुई, और डायरेक्टर हैं संजय श्रीवास्तव, महक जी हैं, और कुछ कास्टिंग चले भी लिट, और भी कुछ बाकी है जो सोनिया मिश्रा हैं, कुछ और बाकी चल रहा है। म्यूजिक डायरेक्टर गणेश पांडे, लिरिक्स है फरिंदा राव, संतोष साजन, प्यार लाल यादव, कभी जी, ये लोग फाइट मास्टर हैं, हीरा यादव, ये सब। इलेक्शन इलेक्शन का भी माहौल है उसमें। इलेक्शन, हाँ तो एक मिनट, इलेक्शन में कौन सी पार्टी को सपोर्ट कर रहा हूँ? सर मैं खुद जदयू से हूँ, तो मतलब फिर भी किसे वोट डालने वाले हो पर्सनली? सर मैं जिस पार्टी से, उसको तो छोड़ूंगा नहीं ना। मैं प्रदेश महासचिव हूँ जदयू छात्र बिहार का, पूरे बिहार का प्रदेश महासचिव, और लगभग मैं उस पार्टी से लड़ने वाला हूँ विधायक इलेक्शन, MLA बरौली क्षेत्र से। गाना भी आप दो दो पिक्चर किए, दलील तो सब में गाने पर डांस भी किए, हाँ तो दो सब भोजपुरी में गाना गा के सुना नहीं दीजिए अपने फिल्म सॉरी, गाना नहीं गा पाऊंगा मैं। और मोहम्मद चैनल को अपना भोजपुरी में कुछ बोल के कर दीजिए लाइक करने के लिए। अपने ऑडियंस को बोल दो भोजपुरी में। अपने नाम से शुरू, नाम रोज सर, रुकिए एक मिनट, देखो मैंने, हम समीर खान, चलिए हम नमस्कार नमस्कार करते हैं और यहीं से विदाई लेते हैं। और आज महुआ TV के चैनल के द्वारा हमारा देख देखा थे इन लोग, और वह लोग इनसे विनती बा, रिक्वेस्ट बा कि हमेशा देखते रहें लोग और ऐसे ही प्यार मोहब्बत बनाई रहें लोग। बाय। सर सुना दो कहानी। सर अपने नाम सबसे पहले तो मेरा संजय श्रीवास्तव, आप सबको हमारी तरफ से नमस्कार। और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल महुआ, जो भोजपुरी की, दिल की, जान की, सबके दिलों में राज करती है। तो थैंक्स टू आप महुआ देख रहे हैं, धन्यवाद संजय श्रीवास्तव के नाम से। सर बताओ किस तरह से जर्नी शुरू हुई, किस तरह से आगाज हुआ इस चीज़ का? सर जर्नी हमारी शुरू हो गई थी शायद मैं जब पैदा हो गया था, तभी से मैं नहीं, मेरे पिताजी कहा करते थे कि साला ज़रूर जाके कुछ खानदान से अलग करेगा। बस गांव में छोटी छोटी चीज़ें थी, रामलीला था, महाभारत था, नौटंकी थी, नाच होता था, उस सबको देख के अच्छा लगता था, पढ़ने से कहीं ज़्यादा, पढ़ने से कहीं ज़्यादा मुझे अच्छा लगता था। धीरे 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 पता चलता गया कि क्यों लगा। और एक दिन मेरे फादर ने कहा क्या करेगा, बोला नहीं कोई बात नहीं मैं जॉब करूँगा। मैंने जॉब किया, जॉब में क्वालिफाई भी किया, पास भी किया, पर मन नहीं लगता था, करना कुछ और होता था, गलती कुछ और हो जाती थी। जॉब था मेरा ग्राम विकास अधिकारी का, फिर फादर की इच्छा थी डॉक्टर बनूँ, डॉक्टर भी मैं ट्राई किया, CPMT क्वालिफाई किया, पर एडमिशन मैंने जो आता है कॉल लेटर वो मैंने फादर को नहीं दिखाया, और एक दिन बॉम्बे के लिए ट्रेन पकड़ ली और बॉम्बे पहुँच गया। यहाँ पर संघर्ष शुरू हुआ, गाँव में था तो ऐसा लगता था कि बॉम्बे जो है बस गए और सब कुछ पा लिए,
लेकिन ऐसा है नहीं दोस्तों, बहुत टफ लाइन है, बहुत कठिन है, बहुत संघर्ष है। सबसे बड़ा आपका लक होना चाहिए, मेहनत तो बात की बात है, एक बार लक साथ देगा तो मेहनत तो हमेशा हो जाती है। हम भी शुरू हो गए लगते 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 और आपके सामने बैठ गए आज। हमारा सौभाग्य कि हम चैनल पे इंटरव्यू दे रहे हैं, बस हमारी मेहनत ही रंग लाई। इंडस्ट्री में बिगनिंग बहुत मुश्किल होती है, किसी भी फिल्म को जिम्मेदारी के साथ बनाना। बिल्कुल, डायरेक्टर की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है जी। किस अंदाज में, किस बखूबी अंदाज में आपने उस चीज़ को निभाया? देखिए, बखूबी अंदाज इसलिए था कि मुझे पता था कि आप जब भी कुछ करने जाओगे तो आपके ऊपर जिम्मेदारी आएंगी। आप उस जिम्मेदारियों के लिए पहले तो अपने आप को तैयारी कीजिए। आज ऐसे बहुत सारे निर्देशक हैं जो एक फिल्म में असिस्ट करते हैं, उसके बाद तुरंत उनको निर्देशक बनने का शौक चढ़ जाता है। मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने पहले निर्देशकों के साथ रह के उनके गुण सीखे, उनका हाव सीखा, उनका भाव सीखा, सारी चीज़ें सीखते सीखते जब मुझे लगा, मेरे दोस्तों को बहुत पहले लग गया था कि आप निर्देशक बन जाओ, लेकिन मुझे नहीं लग रहा था अंदर से, क्योंकि डायरेक्शन कर लेना, एक्शन कर लेना, एक्शन कट बोल देना, वो एक अलग बात है। आपके ऊपर, आपके कंधे ऊपर कम से कम 55 से 60 लोग होते हैं और सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है आपके प्रोड्यूसर के पैसों की। उन सब को संभालते हुए जब आप निकल जाए तो आप परिपक्व निर्देशक बन गए। फिर भी मैं अपने आप को नहीं मानता हूँ परिपक्व, क्योंकि मैं गलतियाँ कर बैठता हूँ, लेकिन जो मेरे सीनियर रहे उनसे बहुत कुछ सीखा है और उन्हीं को कहीं ना कहीं कॉपी करता हूँ, चाहे लोगों को मनाने में हो, चाहे डायरेक्शन करने में हो, फ्रेम लगाने में, एक्टर जो भी है उन्हीं को कॉपी करता रहता हूँ। 4-5 लोग ऐसे हैं जिनको कॉपी करता हूँ और धीरे धीरे सीढ़ी चढ़ रहा हूँ। पहली फिल्म कैसे और कब और कौन सी बनी? आप स्वतंत्र निर्देशक की बात करना चाहते हैं कि मतलब एज एन असिस्टेंट की बात? एज ए डायरेक्टर। सर, एज एन डायरेक्टर मैंने एक फिल्म का मुहूर्त किया था, लागलबाग करजवा में आग, वो बंद हो गई तो जाहिर सी बात है कि मतलब टूटा मेरा हौसला, लेकिन फिर भी लगा रहा कि चलो, मेरे दोस्त थे काफ़ी अच्छे अच्छे दोस्त थे, बोलते थे कि नहीं तुम संजय कर सकते हो, हौसला मत तोड़ो, जल्दी है। तो हमारे एक मित्र हैं जिनका नाम है संजय, पॉलीवुड सिनेमा आता है एक भोजपुरी के, उसके संपादक है। वो बहुत दिनों से कहा करते थे कि एक फिल्म बनाऊंगा तो सबसे पहले निर्देशक की जिम्मेदारी आपको सौंपूंगा। एक दिन उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि एक पिक्चर बनाने की तैयारी चल रही है, एक सिनेमा बना रहा हूँ मैं भोजपुरी में जिसका नाम है यादव जी, तो क्या आप करना चाहोगे? तो मैंने कहा ये मेरा सौभाग्य होगा। बस पूरी तरह से तैयारी हुई और बन गई यादव जी। और यादव जी जब बनी थी तो मुझे नहीं लगा था कि जितने कम बजट की फिल्म बनाई थी कि इस तरह से प्रतिसाद जनता का मिलेगा, लेकिन बहुत अच्छा मिला। और एक छोटी सी फिल्म विदाउट नॉन स्टारर मैंने 2 वीक कम्प्लीट किया है, तो थैंक्स टू भोजपुरी जनता, भोजपुरी देखने वालों, उनको बहुत बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने मेरा हौसला बढ़ाया। और लगे हाथ मैंने दूसरी फिल्म कंप्लीट कर ली जिसका नाम था घुस के मारब। घुस के मारब भी 7 मार्च को रिलीज हो चुकी है, आप लोग उसे देख चुके हैं और आप लोगों का प्यार भी उसमें मिल चुका है। बस यही है सर हमारी शुरुआत। तो अब नेक्स्ट क्या? नेक्स्ट अभी परसों हमारे समीर खान जी की बर्थडे था, तो सुबह सुबह मुझे बुलाया गया, बोला भैया आज बर्थडे है और आप आएंगे तो मैं आऊँगा, और बर्थडे पे एक गिफ्ट देना चाहता हूँ। एक्चुअल होता क्या कि हम लोग बर्थडे बॉय को गिफ्ट देते हैं, लेकिन पहली बार किसी बर्थडे बॉय ने हमें गिफ्ट दिया है ये बोल के कि कसम बतौरा प्यार के एक फिल्म बना रहा हूँ जिसका निर्देशक मैं आपको बना रहा हूँ, आपकी जिम्मेदारी सौंप रहा हूँ, तो उसी की तैयारी में लगा हुआ हूँ और मई में मैं उसको शूट करूँगा। और अपने जहाँ पर हमारे भोजपुरी भाई, भोजपुरी बहन, भोजपुरी माँ सब रहते हैं उन्हीं के बीच में जाके शूट करने का प्लान है मेरा, ताकि उनसे मैं कुछ सीखूं। एक बात कहना चाहूँगा, लोग कहते हैं कि भोजपुरी में वल्गर हिट है, वल्गरिटी बहुत अच्छी लगती है, तो क्या हम कभी अपने घर के कल्चर में जाके देखते हैं कि ऐसे वल्गरिटी होती है? आज हम लोग गाना डाल देते हैं देवर और भाभी का, मैं हर भोजपुरी दर्शक से, हर भोजपुरी टेक्नीशियन से, आर्टिस्ट से, कलाकार से, हीरो से एक ही बात पूछना चाहूँगा, क्या आप अपनी भाभी के ढोड़े में तेल लगाना पसंद करेंगे? बस इसका जवाब मुझे दे दीजिएगा, फिर मैं मान जाऊँगा कि भोजपुरी दर्शक वाकई में वल्गर पसंद करती है। हम लोग फिल्म बनाते हैं निरहुआ रिक्शा वाला, क्या किसी भोजपुरी भाई के पास मर्सिडीज़ नहीं है, BMW नहीं है, तो निरहुआ BMW वाला क्यों नहीं बनाने की सोचते? बस ये सोच लीजिएगा, भोजपुरी सबसे ऊपर जाएगी, क्योंकि हिंदी के बाद किसी की टेरिटरी आती है तो हमारी अपनी भाषा भोजपुरी की आती है। बस इसी कोशिश में लगे हैं कि कुछ अच्छी बनाई जाए, देखते हैं आप लोगों का प्यार, मीडिया वालों का प्यार, दर्शक का प्यार, प्रोड्यूसर का प्यार और
हीरो हीरोइन का प्यार कहाँ तक मेरे साथ है और कहाँ तक मैं जा सकता हूँ। थैंक यू सो मच सर। Best of money, absolutely right.